ओटाइटिस एक्सटर्ना इसकी तस्वीर है उसकी भी थी तस्वीर वो नहीं दिखाई अच्छा ये भी दिखाई ये जी एक्सटर्ना एक्सटर्नल नाम से ये ये मीडिया वाली है. अच्छा मोस्ट कॉमन इफेक्ट एक्सटर्ना होटाइटस इन्फ्लेमेशन सोजन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल यूजुअली कॉज बाय द स्टेफ ओशियस और सूडोमोनास देखें ना अब सूडोमोनास आ गया एक्सटर्नली ये पास अंदर भी चला जाएगा अभी तो एक्सटर्नल एरिया में देख रहे ना ये पेनिट्रेट भी कर जाएगा ना ये पेनिट्रेट भी कर वही चीजें हैं यहां भी जो मीडिया में और इसमें भी वही चीजें आती है प्रेजेंटेशन के ईयर पेन होगा ईयर फुलनेस होगी जॉ पैन पूरा है यहाँ आया एक्सटर्नल है तो सारी ये सारी इस फेशियल नर्व्स को इसको भी इन्वॉल्व कर लेगा एंड लोकल सेलोलाइटिस ऑफ एक्सटर्नल यहाँ स्वेलिंग हो जाएगी सोजन हो जाएगी और इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेगी ठीक है जी पैटर्न वही है मतलब एक्सटर्नल आ गया इंटरनल आ गया मीडियल आ गया आपने फोकस उसी तरह करना घबराना कोई बिल्कुल नहीं है समझ आइए ना आपने आपने इमरजेंसी डील करनी है और मैं आपको ये बताऊं कि आप इतने खुश होंगे इतने खुश होंगे कि यार होम्योपैथी किस तरह दर्द ठीक करती है वहां जाके पेन किलर लगेगा एंटीबायोटिक लगेगी वो आठ दिन का कोर्स देंगे और यहां शाम तक घंटे में आधे घंटे में मिनट में बच्चा ठीक होके घर पहुंचा होता है बंदा ठीक होके घर पहुंचा होता है होम्योपैथी जितनी क्विक कसर करती है दुनिया की कोई साइंस इतना क्विक असर नहीं करती मैंने इसका मोड ऑफ एक्शन मैंने इसकी फंक्शंस को पहले भी कई दफा एलिब्रेट किया और बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया पे किया टेलीविजन पे किया कि जितना जल्दी आप जुबान पे किसी चीज का टेस्ट महसूस करते हैं होम्योपैथी दवाई इतनी जल्दी काम शुरू कर देती है और बार दफा आप जुबान पे रखते हैं आप यूं होते हैं तो मरीज से पूछते हो कहते हैं दर्द सेटल हो गया ठीक हो गया तो ये रोटीन की हमारी प्रैक्टिस है और याद रखें कि अगर आपने एक्यूट प्रैक्टिस बना ली आपने एक्यूट इमरजेंसी डील कर ली तो आप क्रोनिक एमरजेंसी क्रोनिक ट्रीटमेंट को भी डील कर लेंगे उसकी वजह है कि जब किसी के गुर्दे में दर्द होता है ना जिस गली से निकलता है जिस घर से निकलता है वो पूरे घर को पता होता है चीखो पकार उसकी कि जा रहा है कान का दर्द है जा रहा है दान का दर्द है जा रहा है सर का दर्द है जा रहा है तो जब वापस आता है तो पूछता है लोग हाँ जी ठीक हो गया मरीज हाँ जी ठीक हो गया किसको ठीक हुआ जी वो बजे से ठीक हो गया बाबा जी बाबा फिर दूसरा भी दौड़ेगा तीसरा भी दौड़ेगा तो हम जो एक रेवोल्यूशनरी वर्क कर रहे हैं हम रेवोल्यूशनरी वर्क इसलिए कर रहे हैं कि हम इमरजेंसी ये टॉपिक शुरू ही मैंने इसलिए किया कि हम दुनिया को ये साबित करें और दुनिया को हम बताएं कि हम बहुत अच्छी इमरजेंसी डील कर सकते हैं मैं मैं तो करता ही हूं मेरे कुछ और दोस्त भी करते होंगे लेकिन हम ये कर, कहते हैं कि ये सा, सारी हर सतह पर यह डील होनी शुरू हो जाए और ये लेक्चर के पीछे बहुत सारी एफर्ट है बहुत सारे एक्सपर्ट इसके पीछे काम कर रहे हैं जो आपको डिलीवर हो रहा है और बहुत सारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपको शेयर हो रहा है तो इसलिए इसको आप अपनाएं और इमरजेंसी में आप जब मुकाम बनाएंगे आप जब दुनिया में इमरजेंसी ट्रीटमेंट होम्योपैथी से बेहतर शुरू हो जाएगा मरीजों की तादाद जू बढ़ेगी और मरीजों की तादाद बढ़ेगी तो फिर रेवोल्यूशन आएगा क्योंकि मैं अक्सर क्रोनिक हम डिस्कस करते रहते हैं लेकिन एक्यूट की मैंने इसको भी मैं करता रहता हूं लेकिन हमने सीरीज इसलिए शुरू की कि यह को मैं ब्रेक करूं कि होम्योपैथी इमरजेंसी को ठीक नहीं कर सकती होम्योपैथसी उनसे बहुत अच्छा और बहुत क्विक ठीक करती है और इसमें पोटेंसी का भी बड़ा रोल है कि आप यहां बिल्कुल दरमानी पोटेंसी का इस्तेमाल करें ताकि आपको क्विक मतलब वन एम का इस, स्टार्ट करें बच्चों में दो सौ दे दें बड़ों में स्टार्ट ही वन एम से करें तो आपको आपको क्विक रिजल्ट मिले इसको कहते हैं क्विक प्रिस्क्राइबिंग एंड क्विक रिजल्ट आप जल्दी प्रिस्क्राइब करें और जल्दी आपको रिजल्ट आना चाहिए और उसके लिए यू ही है ना कि आपको आपको पता होटस मीडिया क्या होता है आपको पता हो कि क्या होता है आपको पता हो कि रेटनल डिटैचमेंट क्या होती है आपको पता हो कंजवाइट क्या होता है ये 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 चीजें तो आपको पता होनी चाहिए ना और फिर दवाइयां आपको पता हो और दवाइयां मैंने इतना बोझ आप पे डाला ही नहीं है यार मैंने तो आप पे बस दो दो चार चार तीन तीन दो इतनी तो जरा आप, आप डॉक्टर हैं, आपको इतनी और इसी में आपको रिजल्ट प्रोड्यूस होना चाहिए नेक्स्ट ये क्या होगा मोस्टाइटिस इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ पूरी ट्रीटेड अनट्रीटेड ऑटाइटिस मीडिया वो कहता है कि अगर आपने गलत ट्रीट कर दिया क्या तो मोस्टाइटिस हो जाएगा वो सारा एरिया स्वेल कर जाएगा गलत ट्रीटमेंट कर दिया दवाइयां आप डिट्रैक हो गए अपने फोकस नहीं किया अपने बात को समझा नहीं है तो अपने गलत चीज कर दिया प्रेजेंटेशन फीवर होगा हेडेक होगा ईयर पेन होगा और हिस्ट्री में पता चलेगा कि काफी दिन हो गए हैं जब काफी दिन हो गए हैं तो टाइटस मीडिया जो है वो कॉम्प्लिकेशन में चला गया दवाइयां वही हैं दवाइयां वही हैं है। ये खा के दवाइयां बाहर से आया होगा ये भी आपको यहां आपको फौरन लक्ष्य वमिका देनी पड़ेगी क्योंकि ये डायरेक्ट आपके पास अप्रोच नहीं इसने की खराब करके आ गया ना आपके पास अगर होम्योपैथी से खराब करके आया तो नक्स वमी खा दे एलोपैथी से खराब करके कर आया तो नक्स ममी खा दे और ऐसे केसेस में मैंने देखा कि आपने नक्स दी ना फोरल ट्यूबर दी इवन जो लॉस है ईयर का आपका कान सुनना बंद हो जाता है तो हम यकीन है मेरी रूटीन की प्रैक्टिस एक डोज नक्स ही देते हैं अगर पेन नहीं अगर पेन है तो फिर नक्स ट्यूबर दे के पल्स टीला में दे देते दे हैं दे दे, सेटल हो जाते हैं। अगर समात भी चली गई है तो नक्स ट्यूबर काफी कम दे समात बहाल हो जाएगी दो एक दिन में बहाल हो जाएगी